भंजाल जिला परिषद वार्ड से हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले चैतन्य शर्मा ने कारगिल विजय दिवस पर जहां पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया, वहीं गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करके आम जनमानस में तिरंगे के प्रति सम्मान एवं देशभक्ति का जज्बा पैदा किया। इस अवसर पर चैतन्य शर्मा एवं उनकी स्वयंसेवी संस्था युवा शक्ति पराक्रम के स्वयंसेवकों ने जबरदस्त मुहिम चलाई और कारगिल विजय दिवस को यादगार बनाने हेतु पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को पगड़ी पहनाकर बैज लगाकर सम्मानित किया, जबकि आम जनमानस को बरसाती मौसम से बचने हेतु छतरियां भेंट की। इस मौके पर चैतन्य शर्मा एवं उनके समर्थकों ने गांव-गांव जाकर पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और कारगिल में बलिदान देने वाले सैनिकों की वीरता को याद करते हुए नमन किया, साथ ही युवाओं को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर वंदे मातरम, भारत माता की जय इत्यादि देशभक्ति के नारे भी गूंज उठे। उधर पूर्व सैनिकों से सम्मान पाकर सैनिक खूब भावुक दिखे और कारगिल सहित अन्य मोर्चों पर गुजरे अपने दिनों की यादों को साझा करते नजर आए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज चैतन्य शर्मा जी ने इतना अच्छा ये प्रोग्राम किया, देखो इतने यंग बारिश में इतने यंग ब्लड सब, हाँ सब ये देख के बड़ा दिल खुश हुआ। जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं इनको सम्मान दिया, आज हम घर में बैठे हैं, बड़ी खुशी हुई। कारगिल दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप हमारे साथ? कारगिल दिवस में हाँ मुझे आज भी याद है कि हमारी बटालियन 20 यार्ड की उस टाइम और हम लोग द्रास में डिप्लॉयड थे उस टाइम, तो वहाँ पे बिल्कुल हम डिप्लॉयड थे, बिल्कुल लड़ाई का माहौल हमारे, तो हम डिफेंस में थे, अटैकिंग यूनिट अलग थी, हम उनके बिल्कुल डिफेंस में थे। और आज मुझे वो सीन एकदम याद आ रहा है, बड़ा अच्छा चैतन्य जी ने किया, बड़ा दिल बहुत दिल खुश हुआ। मेरा तो सारा परिवार आर्मी में है, मेरा हस्बैंड आर्मी में है, मेरा बेटा आर्मी में कर्नल है, मुझे तो आर्मी पे बहुत गर्व है। आर्मी कितना काम करती है, पहाड़ों पे काम कर रही है, हर एक जगह जहाँ बारिश है, नाले हैं, हर एक जगह बर्फ में कितना काम करती है, मुझे तो बहुत गर्व काफ़ी एक मेमोरेबल है, ठीक है नहीं, जरा जी उस वेले इंडियन आर्मी ने काफ़ी जरा जी अपना रोल अदा कर गया, उस वेले ने बचाया साड़ियाँ जड़ी जी, उस वेले ने तो साड़ी जमीन थी जिसे बिच जी पूजा साढ़े जोड़े जी सैनिक जोड़े उन्होंने अपनी जाना देनी पी, कई जख्मी हुए साढ़े हिमाचल की पूजा से कारगिल दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप हमारे साथ? कारगिल दिवस में हाँ मुझे आज भी याद है कि हमारी बटालियन 20 यार्ड की थी और हम लोग द्रास में डिप्लॉयड थे, तो वहाँ पर बिल्कुल हम डिप्लॉयड थे, बिल्कुल लड़ाई का माहौल हमारे, तो हम डिफेंस में थे, अटैकिंग यूनिट अलग थे, हम उसके बिल्कुल डिफेंस में थे। आज मुझे वो सीन एकदम याद आ रहा है, बड़ा अच्छा के टाइम हमने किया, बड़ा दिल बहुत दिल खुश हुआ। कारगिल विजय दिवस के अंकल बहुत बहुत बधाई हो आपको।
कुछ संदेश देना चाहेंगे अंकल विजय दिवस पे, कारगिल विजय दिवस पे? जी जी जी। और चैतन्य शर्मा की इस मुहिम को क्या कहना चाहेंगे आप, जो इन्होंने ये घर घर जाके सभी जो रिटायर आर्मी में है सबको सम्मानित? जी जी जी। चलिए अंकल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ध्रुव कहाँ गया जो आपके साथ आया था आज कारगिल जी? वैसे जी बाहर का ही जानो जी। आया अंदर बैठा जी। चैतन्य कारगिल जी ठीक है। वाइफ उनकी कहाँ? आप ही माँ माता जी हैं? फिर तो हाथ में गिफ्ट कर देते ना, वो दे देंगे। पन्नी में ही रख दो ना। चल कोई नहीं, ऐसे चार पाँच जगह ठीक है जी। कारगिल विजय दिवस आप कारगिल दिवस के बारे में के उपलक्ष्य में कुछ अपने विचार रखें और हमें बताएं कि कैसे आज कारगिल विजय दिवस के बारे में कुछ बताएं, हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कारगिल के बारे में ऐसे कि जो हमारे
बाद जो शहीद हुए हैं उसका हमें बहुत उनका बड़ा अच्छा बलिदान दिया उन्होंने आज। चैतन्य शर्मा की टीम ने ये अभियान शुरू किया है तो आप क्या कहना चाहेंगे वाईएसपी या चैतन्य शर्मा के बारे में कुछ कि उनकी टीम आज सभी को कारगिल दिवस पर सम्मानित कर रही है सभी रिटायर फौजियों के, तो आप चैतन्य शर्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चैतन्य शर्मा जी ने ये अभियान चलाया है, बहुत बढ़िया है और वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। चैतन्य शर्मा जी अच्छे हैं और इस बार वोट इस इलाके में तकरीबन 90% उनको आने वाली है। तो आप कारगिल के दिवस के उपलक्ष में कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार? विचार यही है कि उन्होंने इधर जो काम किया है अच्छा किया है, जो उनको बोला है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। मोमेंट कैप्चर करना तो करा गया। गुल्लर अंदर स्कॉलरशिप के बैचेस के अंदर बच्चों को पकड़ा के आ जाओ और जो बांट दो वो एक पैकेट ले जाओ ना, पैकेट ले दो। क्या कहना चाहेंगे आप कारगिल के इस दिवस पर, विजय दिवस पर? बढ़िया, बहुत बढ़िया ढंग से आप मना रहे हो कारगिल दिवस, तो फौजी भाइयों ने जो बलिदान दिए हैं उनके ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग। चैतन्य शर्मा की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आ जाओ।